इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग दाल लिया है, जिसको आधे घंटा पहले अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसे फूलने के लिए छोड़ दिया था। यह अच्छी तरीके से फूल चुका है। साथ में मैंने लिया है 1/2 किलो पोई का साग, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया। अब हम इसे एकदम बारीक बारीक कट करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना इसे महीन कट करके रेडी कर लेना है। इस तरह के जो हार्ड डंठल हो, जिसको तोड़ने से वो टूटे नहीं, आप देख सकते हैं, इस तरह के डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हार्ड डंठल हो उनका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। सॉफ्ट डंठल का ही इस्तेमाल करना है, जिसको तोड़ने से आसानी से टूट जाए, इस तरीके का। साग को कट करने के बाद हम इसे साइड पर कर देंगे और लेंगे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे भिगोया हुआ मूंग का दाल, साथ में डालेंगे कटा हुआ पुई साग। पुई साग डालने के बाद डालेंगे 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप दाल लिया था तो उसके साथ में 2 कप पानी डालेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस दाल को चढ़ा देंगे कुक होने के लिए। इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 सीटी आने तक कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 4 सीटी लगने के बाद हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देंगे और इसके ऊपर चढ़ा देंगे 1 कढ़ाई। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 1/2 टी स्पून जीरा, 3 सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ कर डालेंगे। जब यह हल्का सा भुन जाए तब डालेंगे हम 1 टी स्पून कटा हुआ लहसुन, साथ में डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। लहसुन और प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ मूंग दाल और पोई साग, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें 1 टी स्पून मीट मसाला। आप मीट मसाला की जगह गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पानी आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से डालेंगे। आपको गाढ़ा पतला जैसा भी बनाना हो उस हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाऊंगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। पानी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम एक दद्दल घोटनी लेंगे और इसे अच्छी तरीके से इस तरह से मैश करेंगे ताकि साग जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मैश करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। आप इसकी रंगत देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके ऊपर एक बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम कलछी में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब डालेंगे 1/4 टी स्पून जीरा, साथ में डालेंगे 1/4 टी स्पून अजवाइन। जीरा और अजवाइन जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टी स्पून हींग, 1/4 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे दाल के ऊपर और इसे ढक देंगे। तड़का लगाने के बाद हम इसे 2 मिनट तक ढक के रेस्ट करने देंगे। इसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा धनिया का पत्ता।
धनिया पत्ता डालने के बाद मैंने इस दाल को सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये दाल आखिर बना किस तरीके का है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये दाल बनकर रेडी हुआ है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये हल्का गाढ़ा भी हो जाता है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसे गाढ़ा पतला जैसा भी बनाना चाहते हैं उस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस दाल को सिंपल से फुल्का बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें या पूरी पराठा के साथ भी सर्व करें। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी। तो आप जानते ही हैं कि पोई का साग जो है कितना हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो प्लीज़ एक बार इस दाल की रेसिपी को बना के जरूर ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।